नमस्कार, द नगरी न्यूज में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं प्रियंका माथुर। राजस्थान की राजनीति में चुनाव से पहले हुए सबसे बड़े घटनाक्रम के बाद भी कांग्रेस ने अपना दांव खेल दिया है। गोविंद सिंह डोटासरा पर ईडी की कार्रवाई के बाद और वैभव गहलोत को समन मिलने के बाद भी कांग्रेस ने अपने विधानसभा की तैयारियों में कोई रोक नहीं लगाई और राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए अपने 19 प्रत्याशियों की तीसरी सूची जारी कर दी है। सूची में एक मंत्री और 11 विधायकों को जगह दी गई है और एक विधायक का टिकट काटा गया है। कांग्रेस अब तक 200 विधानसभा सीटों में से 95 सीटों पर प्रत्याशी घोषित कर चुकी है, लेकिन अभी तक 105 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा बाकी है। जैसा कि हमने पहले भी आपको बताया था कि कांग्रेस का ओल्ड इज गोल्ड फॉर्मूला चल रहा है, वैसे इस बार भी कांग्रेस ने इस बार मौजूदा चेहरों को ही फिर से टिकट देने का फॉर्मूला अपनाया है। दो बार में सीएम और 20 मंत्रियों को टिकट दिया जा चुका है। सिटिंग विधायकों को ही रिपीट करने का मापदंड अपनाया गया है। कांग्रेस ने पहली सूची में 33 और दूसरी सूची में 43 उम्मीदवार घोषित किए थे और इस बार 19 उम्मीदवारों में एक मंत्री और 11 विधायकों को टिकट दिया गया है। सपोटरा से रमेश मीणा को टिकट दिया गया है। 11 विधायकों में तारानगर से नरेंद्र बुडानिया, सीकर से राजेंद्र पारेख, बगरू से गंगा देवी, नगर से वाजिब अली, करौली से लाखन सिंह मीणा, बांदीकुई से गजराज खटाणा, गंगापुर से रामकेश मीणा, देवली उनियारा से हरिश्चंद्र मीणा, मसूदा से राकेश पारेख, पचपर्दा से मदन प्रजापत, बाराटूर से पांचचंद मेघवाल को मैदान में उतारा गया है, लेकिन इन सब में परिवारवाद का फॉर्मूला भी अपनाया है। सहाड़ा से उपचुनाव में जीती गायत्री देवी का टिकट काट दिया गया है और गायत्री देवी की जगह उनके ही देवर राजेंद्र त्रिवेदी को उम्मीदवार बनाया गया है। धौलपुर से विधायक शोभा रानी कुशवाहा को टिकट दिया गया है। शोभा रानी कुशवाहा को राज्यसभा चुनावों में कांग्रेस को वोट देने के कारण पार्टी ने निकाला था, उसके बाद से ही शोभा रानी कांग्रेस के कार्यक्रमों में नजर आने लगी थी। ताजा अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए द नगरी न्यूज से। नमस्कार।